क्या गुंडा बनेगा रे तू। हाँ तो चलो यार गाइस, कितना सोऊंगा यार, सारा दिन सोता ही रहता हूँ, कोई काम धंधा तो करता नहीं। अरे यार नीचे गिर गया भैंस की टांग, पिछवाड़ा टूट गया यार। सॉरी। और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना यार आज घूम लिया जाए, लेकिन यार ये क्या, आज तो मुझे कॉलेज जाना था और मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ। चलो यार पहले मैं रेडी हो जाता हूँ और कॉलेज चला जाता हूँ, वरना सर फिर से कान पकड़ा देंगे यार। मेरे को बहुत ज्यादा मार पड़ती है कॉलेज से यार, मैं क्योंकि बहुत ज्यादा नालायक हूँ। बहुत चंगा ना मैं। और ये रहा मेरा प्यारा बाइक। अरे यार क्या करूं यार, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, मैं कोई नया बाइक ले लूं, और यही खटारा बाइक से मैं गुजारा कर रहा हूं। चलो कोई बात नहीं यार, पहले मैं रेडी हो जाता हूं। तो यहां पे मैं रेडी भी हो चुका हूं। चलो यार अपने बाइक को लेता हूं और चलता हूं यार अपने कॉलेज, क्योंकि अभी मैं काफी लेट हो चुका हूं और वहां पे जाके पढ़ाई तो नहीं करूंगा लेकिन लड़कियां ताड़ूंगा यार, मजा आएगा भाई। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लौंडा। अरे नहीं नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा था यार, लड़कियों के मामले में बहुत ही ज्यादा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार कभी कभी मैं पिघल भी जाता हूँ, क्या करूँ यार, तड़प ही ऐसी है ना। तो चलो यार ये बातें तो होती रहेंगी, बाकी मैं कॉलेज में आ चुका हूँ, लेकिन ये क्या यार, यहाँ पे कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा, लगता है कोई भी बंदा नहीं आया। चलो मैं अंदर जाके पता कर लेता हूँ। अरे यार आज तो संडे था भाई, मेरे को पता ही नहीं चला यार, मैंने देखा ही नहीं भाई, आज संडे था और मेरे को आज छुट्टी है यार, आज तो मजा ही आएगा भाई। चलो यार रेस वेस करते अपने दोस्तों के साथ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलो यार सबसे पहले मैं अपने दोस्त राहुल को बुला लेता हूँ, क्योंकि राहुल का घर इधर पास ही है। तो चलो अपने बाइक को लेके चलते हैं राहुल के घर पे, और वहाँ से उसको लेके मैं जाने वाला हूँ घूमने के लिए, क्योंकि उसके पास एक बढ़िया सा बाइक है, तो आज तो काफी मजा आने वाला है यार। अरे यार संडे का दिन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आज के दिन तो बहुत ही मजा आने वाला है। बाकी आप लोगों को संडे की छुट्टी कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलो यार अपने बाइक को भगाते भगाते मैं राहुल के घर पे आ चुका हूँ, यहाँ पे अपने बाइक को मैं खड़ा करता हूँ और चलता हूँ भाई राहुल को बुला लेता हूँ। अरे ओ राहुल यार जल्दी बाहर आ यार, आज तो घूमने चलेंगे, काफी मजा आएगा यार, चल बाहर आज अपने बाइक को लेके, आज संडे यार आज घूमने चलेंगे कहीं पे। अरे बेटा क्यों इतना चिल्ला रहा है, क्या हो गया तुझे, क्या काम है राहुल से मुझे बता, मैं राहुल की मम्मी हूँ। अरे आंटी मैंने और राहुल ने प्लान बनाया था कि हम संडे को घूमने जाएंगे, तो क्या आप राहुल को बुला सकती हो, क्योंकि हमको घूमने भी जाना है। अरे हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, सारा दिन हमारा गद्दी करो, अपने बाइक को घुमाओ छपड़ी लड़की की तरह, और कोई काम नहीं है तुझे, खुद तो पढ़ता नहीं है, मेरे बेटे को भी पढ़ने नहीं देता, चला जाए यहाँ से। अरे हाँ हाँ आंटी मैं तो जा ही रहा था, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो इतना, मैं जा रहा हूँ आंटी, बाय बाय, अभी नहीं आऊंगा राहुल को बुलाने के लिए। अरे यार राहुल की मम्मी ने तो यार मेरे को डांट के भगा दिया, अभी क्या करूँ यार, कुछ सूझ नहीं रहा मेरे को, क्या करूंगा सारा दिन। चलो कोई बात नहीं, अभी तो भाई पहले अपने बाइक को अंदर पेट्रोल डलवा लेता हूँ, क्योंकि भाई ये भी बंद होने वाला है, और मैंने कल 10 रुपए का पेट्रोल डलवाया था, वो अभी तक चल रहा है। और बाकी मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम लोग ने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे भाई बिना शर्माए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिना बोले तो तुम लोग करने वाले हो नहीं। तो चलो यार अपने बाइक को लेके मैं पेट्रोल पंप पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे अपने बाइक के अंदर मैं डलवाने वाला हूँ 5 रुपए का पेट्रोल। यार इतना ज्यादा पेट्रोल डलवा रहा हूँ, क्या करूँ यार, मेरे पास इतने ज्यादा पैसे हैं। तो चलो यार यहाँ पे अपने बाइक के अंदर मैंने 5 रुपए का पेट्रोल डलवा लिया, और यहाँ पे अपने बाइक को मैं लेके अभी जाने वाला अपने घर पे। और तुम लोग सोच रहे हो यार मैंने इतना कम पेट्रोल क्यों डलवाया, तो अगर मैं ज्यादा पेट्रोल डलवा लेता तो मेरी मम्मी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और यहाँ पे अपनी दन्नों को भगाते भगाते मैं घर पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे अपने बाइक को मैं खड़ा कर देता हूँ। चलो यार मैं देखता हूँ कि टीवी में न्यूज क्या दिखा रहे हैं आजकल, और उसके बाद चलेंगे अपने दोस्तों को मिलने के लिए। यहाँ पे जैसे ही मैं टीवी को ऑन करता हूँ मुझे ये वाली न्यूज दिखाई देती है। छबरी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है, आज की ब्रेकिंग न्यूज, हमारी सिटी के अंदर हो रही है बहुत ही बड़ी बाइक रेस। आपने सही सुना, हमारी सिटी में हो रही है एक बहुत ही बढ़िया बाइक रेस, जिसके अंदर कोई भी बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है, और इस वाली बाइक रेस के अंदर जो भी बंदा जीत जाएगा उस बंदे को मिलेंगे पूरे 10 लाख रुपए। जी हाँ पूरे 10 लाख रुपए, और उसके साथ साथ एक लग्जरी गाड़ी भी मिलने वाली है। और अगर आप में से कोई भी बंदा इस वाली रेस के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो एयरपोर्ट के पास इस वाले लोकेशन पे आ जाए और आके अपना नाम लिखवा जाए, क्योंकि आज एंट्री की लास्ट डेट है और कल ये वाली रेस स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी बंदा आना चाहता है भाई आ सकता है। अरे यार क्या बढ़िया मौका है अमीर होने का, क्यों ना मैं भी रेस के अंदर पार्टिसिपेट कर लूं, और अगर मैं जीत गया तो मुझे मिलेंगे ढेर सारे पैसों के साथ साथ एक गाड़ी, और उससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। और यहाँ पे अपने बाइक को उठा के मैं रेस वाली जगह पे जाने लगता हूँ। बाकी तुम लोग क्या टुकड़ टुकड़ देख रहे हो, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिना बोले तो तुम लोग नहीं करते यार। हाँ मेरे भाई अपनी ड्रीम कार का नाम मेरे को कमेंट में बता देना, मेरे को भी पता चलना चाहिए ना यार।
तो यहाँ पे अपने बाइक को लेके मैं एयरपोर्ट के पास आ चुका हूँ और ये रही वो लोकेशन जिसके बारे में छपरी न्यूज वालों ने मेरे को बताया था। और यार क्या मस्त बाइक खड़े हैं यहाँ पे, तो एक से एक बढ़िया बाइक खड़ा है यार। और यार मुझे नहीं लगता कि मैं अपने खटारा बाइक से इस वाली रेस को जीत पाऊंगा क्योंकि ये काफी ज्यादा लग्जरी बाइक है। चलो कोई बात नहीं यार, मैं पार्टिसिपेट तो कर लेता हूँ, क्या पता मैं जीत ही जाऊँ। और यहाँ पे मुझे कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा, ये कौन है भाई? ओए तेरी इतनी हिम्मत, तू ये वाले बाइक को चोरी करने आया? नुबड़े कहीं के कल इन बाइक से रेस होने वाली और तूने अगर बाइक को चोरी किया तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं नहीं भाई, मैं कोई चोर नहीं हूँ यार, मैं बाइक चोरी करने नहीं आया, मैं तो यहाँ रेस में अपना नाम लिखवाने आया हूँ यार। अच्छा तो ये बता कितने जन का नाम लिखना है? अरे यार कितने जन क्या मतलब यार, मैं तो अकेला बंदा हूँ यार, एक ही बंदे का नाम लिखना है बस। अच्छा तो बेटा जल्दी से निकाल कड़क, 1,000 का नोट दे और तेरा मैं नाम लिख देता हूँ। अरे यार 1,000 क्यों यार, न्यूज में तो बोल रहे थे फ्री में एंट्री है यार, तुम 1,000 क्यों ले रहे हो यार मेरे से? हाँ हाँ बेटा वो तो छपरी न्यूज वाले वो तो न्यूज में कुछ भी डालते रहते हैं, बाकी तू 1,000 रुपया मुझे दे दे, मैं तेरा नाम लिख देता हूँ, नहीं तो निकल जाए यहाँ से अपने बाइक को लेके। अरे यार छपरी न्यूज वालों की बहस की डांग, इनकी वजह से मुझे 1,000 रुपया देना पड़ रहा है यार, क्या करूँ यार, ये झूठ बोलते हैं मेरे को इतना। चलो यार मैंने इसको 1,000 रुपया पेटीएम कर दिया है, चलो यार अभी अपने घर पे चलते हैं। अरे ओ बेटा रुक जा यार, इसमें तो 10 रुपए कम है, नुबड़े कहेंगे चूना लगा दिया मेरे को। चलो यार गाइस मैंने अपना नाम तो लिखवा लिया, चलो मेरे को अभी कोई बाइक का जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं इस बाइक से पार्टिसिपेट करूंगा तो मैं पक्का रेस हार जाऊंगा। और यार मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है कि मैं कोई नया बाइक ले लूं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार इसी बाइक को मैं मॉडिफाई कर लूं क्योंकि मैं खुद एक मैकेनिक हूं, तो मैं इसी को मॉडिफाई करने वाला हूं। The next day. तो यहाँ पे पूरे एक दिन के बाद मैंने अपने बाइक को मॉडिफाई कर लिया और ये बाइक इतना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मैंने इस बाइक का नाम रखा है ट्रोन बाइक और मैं अभी इस बाइक को लेके जाने वाला हूँ रेस के अंदर और आज रेस स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे अपने बाइक को मैं लेके आ चुका हूँ रेस वाले एरिया पे और यहाँ पे आप लोग देखो यार कितने प्यारे प्यारे बाइक आए हुए हैं, लेकिन मेरा बाइक इन सबके सामने बहुत ही बढ़िया बाइक है क्योंकि मैंने अपने बाइक के अंदर एक बूस्टर भी लगा रखा है। अभी वो भिखारी कहेंगे तो अपने बाइक को एक बार मॉडिफाई कर लिए, 4 बार का रेस तो हम लोग ही जीतेंगे, नुबड़े कहेंगे भिखारी अपने बाइक को ले और निकल जाए यहाँ से खटारा बाइक को लेके। अरे यार ये बंदे तो मुझे कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बेटा तुम थोड़ा वेट करो, मैं तुम्हें रेस स्टार्ट होने तो फिर बताता हूँ। चलो यार इनका तो गेम बजाना पड़ेगा, थोड़ा वेट करते हैं भाई, रेस स्टार्ट होने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सब ने अपनी अपनी बाइक को लाइन में लगा लिया है और हम लोग रेडी हो चुके हैं और थोड़ी देर के अंदर हमारी रेस स्टार्ट होने वाली है। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये रेस जीत जाऊं तो आप लोग ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे मेरे को एक्स्ट्रा पावर मिलेगी और मैं ये रेस जीत जाऊंगा। 3, 2, 1 तो यहाँ पे जैसी रेस स्टार्ट हुई है तीनों गवंडी बंदे अपने बाइक को फुल स्पीड में भगाने लगे और इसी चक्कर में इनमें से 2 बंदों का तो गंदे वाला एक्सीडेंट हो गया और ये रेस से बाहर हो चुके हैं और एक बंदा बच गया था, उसका भी थोड़ा आगे जाने के बाद एक्सीडेंट हो गया और अब मैं अकेला बच चुका था और मैंने बिल्कुल आराम आराम से अपने बाइक से वाली रेस को कंप्लीट कर दिया और मेरे को मिल चुका है इनाम और इनाम में मेरे को मिले हैं पूरे 10 लाख रुपए, उसके साथ साथ मुझे एक फॉर्च्यूनर लेजेंडर भी मिली है। तो चलो यार मैं तो चलता हूँ अपने घर पे, बाकी तुम लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते करते जाना और हाँ मेरे भाई मुझे ये भी बता देना मुझे 10 लाख में से कौन सा बाइक लेना चाहिए। तो चलो यार आज की वीडियो में सिर्फ इतनी था, मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, अब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।